सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल। और आज हमारे साथ एम टी 15 वर्जन 2 लेटेस्ट वाली 2023 की E20 OBD2 इंजन वाली है ये। सो आइए आज इसके बारे में बात करेंगे, इसकी फुल वॉक अराउंड रिव्यू, राइड रिव्यू एंड फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और बात करने से पहले सबसे पहले थैंक्स करना चाहेंगे VR एंटरप्राइजेस को, यामाहा शोरूम ब्रैंडपुर, जिन्होंने हेल्प किया गाइड प्रोवाइड करने के लिए। अगर आपको यामाहा की कोई भी ऑफरिंग देखनी है ना, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा और प्रोमो बुक कर लीजिएगा, फिर जाइए और चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। She been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier J's, and the bitch deserve it, put in work for the money she earn it, give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it, I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skyri, ooh, right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skyri, ooh, right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah, Abu Dhabi, with a bad bitch look like Skyri, ooh, right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah, Abu Dhabi. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करना चाहेंगे, जैसे आप सामने से इसको देखते हो ना, तो सबसे पहला चीज़ आप जो इसके ऊपर मतलब ध्यान देते हो, इसका प्रीमियमनेस, ठीक है। यामाहा में ये चीज़ है कि प्रीमियमनेस पे कभी भी कोई भी इम्पैक्ट ख़राब नहीं छोड़ती अपना, जो भी चीज़ बनाती है वो प्रीमियम साइड पे ही बनाती है, ठीक है। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट ऑफ बाइक में ही आती है और ये उस तरह का प्रीमियमनेस इसमें दिखता भी है। लाइक आप सब सामने से देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएगा। इसका पेंट क्वालिटी देख लीजिए आप, फिट एंड फिनिश देख लीजिए आप, जो चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं उसकी क्वालिटी देख लीजिए आप। तो ऑल ओवर जो चीज़ें हैं ना इसमें, मतलब इसमें पैसा जो आप डाल रहे हो ना, तो उसमें उस तरह की आपको चीज़ें भी मिल रही है। पेंट क्वालिटी देखिए, फिर फिट एंड फिनिश वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो सामने से अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का हेडलाइट देखने मिल जाता है। MT शुरू से जब से निकली थी तब से हमें सेम हेडलाइट देखने मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारे DRLs है। रुकिए आपको ऑन करके दिखाते हैं। सो कुछ इस तरह का हमारा DRLs है। लाइक जब ये शुरू में मार्केट में आई थी ना, लोगों को बहुत पसंद आ रही थी भाई, क्योंकि ये ईवल आई काइंड ऑफ जो लुक है ना, रात को बहुत सुंदर लगता है, सच में बहुत सुंदर लगता है। तो ये कुछ इस तरह की ये आ रही है, और अब मतलब आ रही थी और अभी भी ऐसी ही आ रही है। यहाँ पे हमारा मेन हेडलाइट देखने मिल जाता है, प्रोजेक्टर सेटअप का फुल LED है। ये भी एक बात है भाई कि अब हम इसमें ना फुल LED देखने मिल जाता है, हेडलाइट भी बोलिए, इंडिकेटर्स बोलिए, बैकलाइट बोलिए, सारे हमें LED में देखने मिल जाते हैं। अपडेटेड वर्जन में ये भी कर दिया गया है कि इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमें अब LED में देखने मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो ये पहले से ज़्यादा मस्कुलर, पहले से ज़्यादा बल्की लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें वर्जन 2 में USD फोक्स मिले देखने मिल जाते हैं। USD फोक्स का वजह से ये चीज़ें जो है ना चौड़ी हो गई हैं। फाइबर का क्वालिटी भी पहले से काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। पेंट स्कीम तो सुंदर है ही इसकी, तो इस रीज़न से ना सामने से बहुत ज़्यादा चौड़ी, बहुत ज़्यादा बल्की लग रही है। सामने हमें USD फोक्स देखने मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। ऑफ रोडिंग में भी और रफ रोड्स में भी काफ़ी अच्छा अब हमें हेल्प करने वाले हैं, और इसके वजह से सस्पेंशन जो है हमारा स्टिफ हो जाता है, तो ऑन रोड भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इससे मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा बिल्डअप हो जाता है इसके वजह से। तो ये एक चीज़ है। नीचे की अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए कुछ थीम, कलर थीम के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे कलर्ड एलॉयज देखने मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 100x80 टायर्स मिल जाते हैं 17 इंच के एलॉयज के साथ। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो भाई हमें यहाँ पे डुअल चैनल लेवल देखने मिल जाता है। लाइक बहुत लोगों की मांग थी MT में वर्जन 2 में, मतलब MT में, कि डुअल चैनल एबीएस आ जाए, आ गया है भाई। हमें यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस देखने मिल जाती है। फ्रंट की अगर बात की जाए ना तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिस्क है, हमें यहाँ पे 282mm का डिस्क देखने मिल जाता है, पाइब्रे की तरफ से है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इधर अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है यहाँ पे हमें देखने विजिबल हो जाता है। साइड प्रोफाइल से बात करें ना, साइड प्रोफाइल से बाइक कुछ तरह की दिखती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सी, काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा काइंड ऑफ इसका डिज़ाइन है, कह सकते हैं आप पॉकेट रॉकेट है भाई। चलाते समय उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर इधर ध्यान दिया जाए ना तो हमें आप कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने मिल जाता है। ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये मतलब काफ़ी अच्छा मुझे अट्रैक्ट कर रही है। लाइक ये चीज़ देखिए, ये हमारा टैंक पैड है, यहाँ पे हम ऐसे थाई वगैरह रख के टक इन करके चला सकते हैं। और ये एरिया देख रहे हैं कितना सुंदर इसका फिट एंड फिनिश है। लाइक कितनी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में और कितनी सुंदर से ये चीज़ निकाली गई है। यहाँ पर भी कुछ हमें इस तरह का डिज़ाइन देखने मिल जाता है। ये ओपन सी है ताकि हवा वगैरह यहाँ से पास हो, एरोनॉटिकल काइंड ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है। यहाँ पर एक MT का बैजिंग देखने मिल जाता है। प्रीमियम इसके ऊपर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। सो अब बात करते हैं ना इसके इंजन के बारे में, तो हमें यहाँ पे 155cc का BS6 फेज 2 कंप्लायंट SOHC सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग वाला 4 वॉल्व का इंजन देखने मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18.4 PS का पावर एंड 14.1 Nm का टॉर्क, ठीक है।
और इसका जो कर्व वेट है ना वो है 141 kg के आसपास का। तो ऐसे गाड़ी उतनी ज़्यादा भारी नहीं है, काइंड ऑफ कह सकते हो हल्की है स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखोगे आप तो। लेकिन अगर पावर फिगर्स की बात की जाए ना तो वो एकदम से नेग्लिजिबल हो जाएंगी जैसे ही VVA किक करेगी। जैसे ही VVA किक इन करेगी ना ये सारे पावर फिगर्स पता नहीं कहीं वैनिश से हो जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एनहेंस तरह का पावर हमें देखने मिल जाता है बाइक से चलाते समय, उसके बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। पीछे की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें कुछ सेम तरह की एग्जॉस्ट देखने मिल जाती है जो कि हमें R15 में देखने मिलती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा फेक R15 फिनिश भी देखने मिल जाता है। डुअल टोन में भी यहाँ पर चीज़ें देखने में मिल रही है, लाइक देखिए सिल्वर कलर में है, ये सिल्वर कलर में है, ये ब्लैक में है, और कुछ फेक R15 फिनिश में भी चीज़ें हैं। पीछे की तरफ अगर ध्यान दिया जाए ना तो हमें यहाँ पे मोनोशॉक देखने मिल जाता है पीछे की तरफ। यहाँ पे कुछ इस तरह का नेकेड से काइंड ऑफ डिज़ाइन हमें देखने मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्पोर्टी काइंड ऑफ हमें डिज़ाइन दे देती है। पीछे की तरफ ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे टायर अगर देखने मिल जाता है मड वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। पीछे की अगर ब्रेकिंग की बात की जाए पीछे भी हमें ABS देखने मिल जाती है क्योंकि बाइक में डुअल चैनल ABS है। पीछे हमें 220mm की डिस्क का सेटअप देखने मिल जाता है। टायर की अगर बात की जाए तो पीछे हमें रेडियल टायर देखने मिल जाते हैं 140x70 17 इंच के अलॉयज के साथ। 140x70 हमारा टायर साइज 17 इंच के अलॉयज के साथ। रेयर में हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने मिल जाता है, ठीक है। यह हमारी बैकलाइट हो गई और फिर यहाँ से एक बड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया यहाँ पे देखने मिल जाता है। यह हमारा नंबर प्लेट का एरिया है, यहाँ हमें नंबर प्लेट की लाइट है, यहाँ हमारे रिफ्लेक्टर्स हैं इस साइड और इस साइड भी। ये ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बाहर निकाली हुई है, ठीक है, और बहुत मजबूत भी है। लाइक देख सकते हैं आप ये फेंडर जो है, ये एरिया प्लास्टिक का है लेकिन ये फेंडर जो है ये स्टील का है, मेटल का है, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रांग है, इतनी हल्की फुल्की नहीं है कि थोड़ा झटका वगैरह टूट जाएगी। ये हमारा इंडिकेटर्स हो गए जो कि आपने जैसा कि आपने मैंने आपको बताया LED हमें आप देखने मिल जाते हैं। इस तरफ का ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पे BS6 नॉर्म्स के अनुसार साड़ी गार्ड देखने मिल जाती है। ओपन चेन सिस्टम है जो कि स्पोर्ट्स बाइक में रहती है, तो मतलब हल्का फुल्का इसका सर्विसिंग का कॉस्ट रहने वाला है। इधर अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पे 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने मिल जाता है, तो ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है। साइज 10 मिल जाती है, साइज 10 कट ऑफ सेंसर भी देखने मिल जाता है। मेन स्टैंड हमें यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। इधर अगर ध्यान देंगे तो ये मतलब शुरू से ही एक चीज़ रही है जो कि लोग इसके बारे में हमेशा बात करते हैं, पिलियन कम्फर्ट। पिलियन कम्फर्ट कैसा है इस बाइक का? तो भाई पिलियन को छोटी सी जगह दी हुई है, एज सच बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है कि पिलियन बहुत आराम से बैठ पाएगा। सिटीज़ वगैरह में शॉर्ट राइड्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग राइड्स का मुझे कोई आइडिया है नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा जो देख के समझ में आ रही है कि सीट उतनी कुछ खासी है नहीं, और कुशनिंग भी पीछे में जैसे यहाँ पर जैसे पीछे जा रही है ना सीट, वैसे थोड़ी सी पतली होती जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ चौड़ी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी पतली है, तो सिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लेकिन लॉन्ग राइड्स में फॉर श्योर दिक्कत आ सकती है। यहाँ हमारे ग्रैबलर्स हमें देखने मिल जाते हैं, काफ़ी अलग ढंग से रखे हुए हैं। ये एक चीज़ है कि ये जो पैनल हमें देखने मिल जा रहा है, सोचो देख रख के लग रहा होगा कि बहुत मतलब कमज़ोर सा है, लेकिन नहीं भाई बहुत मजबूत है। ये फाइबर की ही है लेकिन अंदर से प्लेटेड है, जो वो हमें मेटल की काइंड ऑफ देखने मिल जा रही है, लेकिन काफ़ी मजबूत ढंग से ये फिनिश्ड की गई है। तो ये एक चीज़ है। राइडर की अगर एरिया की बात की जाए तो राइडर को इनफ एरिया मिल रही है, ठीक है। तो इसे आगे बैठ के पीछे रख के कैसे भी राइडर आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है, राइडर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ अगर ध्यान दें तो हमें यहाँ पर 10 लीटर का टैंक देखने मिल जाता है। यहाँ पर लोगो देखने मिल जाती है यामाहा की, यहाँ पे E20 का स्टिकरिंग देखने मिल जाता है, यानी कि ये गाड़ी E20 कंप्लायंट है, आप इसमें E20 का फ्यूल फिलिंग करा सकते हैं। राइडर की एरिया की अगर बात करते हैं ना तो देखिए बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटी सी एरिया यहाँ पे बनाई गई है। टैंक उतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़्यादा एग्रेसिव आपको फील नहीं कराता है, बल्कि यहाँ आपको एग्रेसिव फील होगा क्योंकि ये देखते कि स्राउट्स जो हैं कितने ज़्यादा मतलब ऐसे आउट साइड निकले हुए हैं बाहर की तरफ। लेकिन एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी आपको देखने मिल जाती है, एक मिनिमलिस्टिक काइंड ऑफ डिज़ाइन देखने मिल जाती है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी सिटीज़ वगैरह में भी, ठीक है। और उसी तरह का कुछ इसका हैंडलिंग भी है, उस तरह का कुछ इसका ग्रिपिंग भी है, ठीक है, कि आप ऐसे गैप्स वगैरह से आराम से निकाल सकते हो, उस तरह का उसका पावर भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है जिसके बारे में फिर से हम चलाते समय बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके मीटर के बारे में। तो मीटर कुछ इस तरह की हमें देखने मिल जाती है। स्टार्ट करते ही हमें यहाँ पे सबसे पहले जो दिखता है वो है हाई बॉडी। यहाँ पे हमें यामाहा का लोगो देखने मिल जाता है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल की साइन देखने मिल जाती है, साथ ही साथ में हमें
TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन का मैलफंक्शन, ABS का, हाई बीम का, और यहाँ पे इंडिकेटर्स का साइन हमें देखने मिल जा रहे हैं। बात की जाए तो हमें यहाँ पे TCS भी देखने मिल जाते हैं, यहाँ के ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को भी। यहाँ पे हमें गियर पोजिशन इंडिकेटर देखने मिल जाता है, टैकोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप ए मिल जाती है, ट्रिप बी मिल जाती है, साथ ही साथ में डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और आइस पर आई नो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में हमें देखने मिल जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे TCS ऑन है, अब इसको ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर भी देखने मिल जाता है, और बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें हैं वो भी इसमें देखने मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सुजुकी क्वालिटीज़ की तरफ, तो भाई सुजुकी क्वालिटीज़ काफ़ी प्रीमियम साइड पे है, यहाँ पे पास, यहाँ पे हमें अपर डिपर, और यहाँ पे हमें साथ ही साथ में इंटीग्रेटेड पासिंग स्विच भी देखने मिल जाती है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, लाइक अगर आप रेगुलर बाइक चलाते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, मुझे भी आ रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स और हॉर्न का स्विच जो है वो ऐसे एक्सचेंज है, हॉर्न यहाँ ऊपर देखने मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स नीचे देखने मिल जाते हैं, सिंगल हॉर्न हमें इसमें देखने मिल जाता है। यहाँ पे हमें किल स्विच देखने मिल जाती है, और यहाँ पे हमें सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने मिल जाता है। डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ इसका मिरर्स भी जो है ना काफ़ी सुंदर जा रहे हैं, इसी की तरह एकदम स्लीक से हैं, पतले से हैं, ठीक है, तो वो भी काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन के साथ मैच कर रहे हैं। तो चलिए आप चला कर देखते हैं और उस पर बताते हैं आपको इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो इसका राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बता देना कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अराउंड 170 mm, ठीक है, तो बड़े बड़े बम्पर्स पे या फिर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले जैसे आप इसको चढ़ के बैठते हो ना तो आपको समझ में आता है कि बाइक थोड़ी सी ऊँची है, ठीक है, मतलब सीट हाइट जो है इसका वो थोड़ा ऊँचा है, इट्स अराउंड 810 mm, मुझे उतना कुछ अच्छा से याद नहीं, अंदाज से बता रहा हूँ, मतलब जितने अभी तक गाड़ी चलाएं उस हिसाब से 800 के ऊपर ही है थोड़ी सी, तो उस तरह की कुछ सीटिंग पोजीशन है इसकी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले की चालू करके दिखाते हैं आपको। एक और जिसकी प्रीमियमनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ना कि इसका की सेक्शन जो है वो यहाँ पर है टैंक के पास, तो एक प्रीमियम साइड पर रहती है। अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको, काफ़ी ग्रंट अच्छा प्रोवाइड कर देती है भाई ये इंजन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हल्के फुल्के ऑफ रोड्स पे देख लेते हैं। तो ऐसे ऑफ रोड्स पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली ये बाइक निकल जाएगी, मतलब आपको फील भी होता है कि आप थोड़े से ऊंचे बैठे हो, ठीक है, कुछ थोड़ा सा मतलब एक बड़ी चीज़ पे बैठे हो उस तरह कुछ फील होता है। हालांकि चीज़ तो छोटी सी ही है, कॉम्पैक्ट बनाई गई है, लेकिन थोड़े से ऊपर बैठते हो, समझ रहे हो आप, भावनाओं को समझो, ठीक है, तो ये कुछ उस तरह की है। बाकी थोड़े बहुत बैड पैचेस पे भी, ख़राब रास्तों पे भी ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। USD है तो फॉर श्योर सामने का सस्पेंशन स्टिफ रहने वाला है, पीछे से थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपेक्टेशन है जो कि अभी तक तो खड़ा उतर रहा है, तो ऐसे ख़राब रास्तों पे, ज़्यादा ख़राब रास्तों पे जाके सस्पेंशन के बारे में आगे बात करेंगे हम ज़रूर। बाकी सबसे पहले सीटिंग पोजीशन की बात करें ना, तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है, काफ़ी छोटी सी है, तो यहाँ जब आप बैठे हो ना तो ये मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि बहुत छोटी सी है, स्ट्रीट फाइटर बोल लो, नेकेड स्पोर्ट्स बोल लो, आपको जो सही लगे आप बोल लो, लेकिन ये मतलब छोटी सी है काइंड ऑफ। और यहाँ पे से आपको एक मीटर दिख रहा है, बाकी आपको इसके आगे दिख रहा है जो भी दिख रहा है। एक चीज़ है कि आपको एकदम कंफर्म है कि ये दिक्कत होने वाली है, आप फोन यहाँ खोजोगे, ठीक है, आप फोन यहाँ खोजोगे, यहाँ नहीं मिलने वाली, थोड़ा सा ऊपर आ जाइएगा। हॉर्न का जो इसका रिएक्शन है वो काफ़ी मतलब पतला सा है, MT है, R15 का सिबलिंग है, हॉर्न थोड़ा सा उसी तरह का देना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, सह लेंगे थोड़ा। पॉकेट रॉकेट, यस इट इज़ अ पॉकेट रॉकेट गाइस, यस इट इज़ अ पॉकेट रॉकेट। छोटी सी बाइक है, काफ़ी अच्छा पिकअप ले रही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं आगे पीछे आपके, तो वो भी एक अलग चीज़ है, एक अलग ही मज़ेदार चीज़ है। MT एक और MT गई। हैंडलिंग की अगर बात करें तो भाई स्ट्रेट और वाइड हैंडल्स मुझे एनी डे ज़्यादा प्रीफरेबल लगते हैं, ठीक है, हालांकि उतने वाइड नहीं है, उतने शॉर्ट भी नहीं है, जिस हिसाब से बाइक है उस हिसाब से इसका हैंडल जो है काफ़ी इनफ सा है, ठीक है, स्ट्रेट हैंडल होने की वजह से मनूवरिंग काफ़ी ईजी हो जाती है, आप इसको मतलब जैसे चाहो वैसे चला सकते हो, लाइक अगर आपको सिंपली चलाना है, रिसेंटली चलाना है तो आप चलाओगे ही फॉर श्योर, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब एकदम रफ चलाना है, काइंड ऑफ स्ट्रीट फाइटर काइंड ऑफ चलाना है, तो वो भी आप इससे आराम से ऐसे 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी मनूवरिंग में, ठीक है, काफ़ी हल्की है, मतलब स्पोर्ट्स कैटेगरी के हिसाब से 141 kg उससे कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना, हल्की कैटेगरी में हम देखते हैं इसको, तो
तो 140 के आसपास है, तो उतनी ज़्यादा कुछ मतलब भारीपन भी नहीं है इसमें, काफ़ी हल्का है, तो इससे आप आराम से मतलब जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। पावर एंड पिकअप की बात करें तो भाई पावर पिकअप भी काफ़ी अच्छी मुझे अभी तक फील हुई। आगे जाके खाली रोड पर उसके बारे में बात करेंगे। रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो इंजन अभी तक जो मुझे फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है। लाइक रिफाइनमेंट की अगर बात करें तो ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है। और रिएक्शंस बच्चों के लाइक है भाई, फैन बेस अच्छा है इसका। एम्प्टी सब देख रहे हैं। क्लच की अगर बात करें तो क्लच हमें स्लीपर क्लच देखने मिल जाता है यहाँ पे, तो क्लच इज़ वेरी सॉफ्ट बट एट अ वेरी सॉफ्टर साइड, ठीक है। और गियर बॉक्स भी मैं मतलब जब से चला रहा हूँ मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों के पास भी है एम्प्टी वगैरह, वर्जन 1 भी है, वर्जन 2 तो आज पहली बार चला रहे भाई, तो एज सच मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। गियर बॉक्स वगैरह में भी अभी तक सब सही चलती है, फॉल्स गियर्स वगैरह नहीं लगते इसमें, ठीक है, एकदम सही से रहती है। और उतनी भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है, तो हार्ड भी नहीं है, एक मीडियोकर साइड पे है, और एक क्लिक फील हो जाता है आपको कि हाँ गियर आपका शिफ्ट हो चुका है। सस्पेंशन की अगर बात करें थोड़े से बैड पैचेस आ चुके हैं हमारे पास, तो सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टीफर साइड पे ही है आई मस्ट से, फ्रंट का तो स्टीफर साइड पे रहना है उसको क्योंकि USD है। पीछे की अगर बात करते हैं तो पीछे भी थोड़ा स्टीफर साइड पे है, तो ख़राब पैचेस पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, इटके वटके आपको थोड़े ज़्यादा महसूस होंगे। बट ओके, रिवर क्रॉसिंग भी बना दिया यहाँ पे, नाइस तो झटके उटके होगी थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होंगे, लेकिन मेन आप अगर आप रोड पे देखते हो ना, तो रोड पे आपको एक अच्छा ग्रिप मिलती है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो उससे आप मतलब आराम से इसको लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करेंगे पावर पिकअप के बारे में। सो एक नंबर गियर पे चलिए, ग्रंट ग्रंट सुन रहे हैं आप, ग्रंट ये जो ग्रंट दे रही है ना भाई, वो काफ़ी सुंदर दे रही है, ये ग्रंट काफ़ी सुंदर है, आई मस्ट से ये ग्रंट काफ़ी सुंदर है, ठीक है। एक अलग ही वाइब आ रही है आपको इंजन से, 7000 RPM, 7000 मतलब जैसे ही क्रॉस कर रहा है ना 7000 RPM, तैसे ही मतलब गाड़ी एकदम से जादू हो जा रही है। बात है RPM क्रॉस करते ही गाड़ी इज लाइक उड़ता ही फिरू इन घटाओ में कहीं, माय गॉड नाइस। पावर की आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, लाइक इनिशियल अच्छी है, ठीक है। मिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब मिड पे आप रहते हो तो तभी मिड पे ये हिट करती है 7000 RPM, और उसके बाद फिर टॉप थोड़ी सी ख़राब इसलिए हो जाती है ना क्योंकि बहुत ज़्यादा नेकेड बाइक है, ठीक है। हाँ सेम इंजन के साथ आती है R15, उसका टॉप तो भाई एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सबको पता है वो चीज़। तो टॉप इस थोड़ी सी लैग कर जाती है, थोड़ी सी मतलब नेकेड है इसलिए, फेयरिंग नहीं है इसलिए, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी टॉप पर जाती है इतनी इनफ है। लाइक आप हाईवे पर कितना ही दौड़ाओगे, आप जब भी लेके जाओगे प्रैक्टिकली ध्यान देते हैं बाइक पर कि आप जब भी लेके जाओगे हाईवे पे आप क्रूज ही कर रहे होगे, आप हमेशा रेड लाइन पर रश नहीं कर रहे होगे ना, तो उस हिसाब से भाई काफ़ी अच्छा इसका क्रूजिंग स्पीड है कह सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात R15 ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, तो उस वजह से भी। ब्रेकिंग की बात करें तो पहले पीछे वाली ब्रेक की बात करते हैं, पीछे वाले में हमें बाइट अच्छी मिली, स्टॉपिंग पावर भी अच्छा मिला, ठीक है, रेस्पॉन्स उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो ये थोड़ी सी ख़राब लगी मुझे बात। लाइक ABS मिलता है ना पीछे, तो वो है फ्रंट, अगर सामने भी हमें डुअल चैनल ABS मिल रहा है, फ्रंट ABS की अगर बात करें, सामने वाले बम्पर से बात करेंगे, थूकने का बहुत ज़्यादा डर रहा था कहीं भी ब्रेक मार दो तो। ओ भाई फ्रंट तो दिल जीत लिया, फ्रंट काफ़ी अच्छी थी, बाइट भी अच्छा था, स्टॉपिंग और भी अच्छा था, फीडबैक भी अच्छा था, ठीक है, और टायर्स का ग्रिपिंग की वजह से भी काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है। अगर डुअल की बात करें मतलब दोनों को एक साथ, तो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग मिलने वाली है हमें अगर दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि इसको जो हमने नाम दिया पॉकेट रॉकेट किस तरह से है, ये देखिए, यहाँ पर टैंक है, यहाँ पर हैंडल है,
बात समाप्त है यहीं पे, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब बाइक से ऐसे मतलब क्लोज होके बैठते हो, ठीक है, जो भी आपके सामने है, जो भी आपके कंट्रोल में है, तो वो है उस पर से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठते हो। सिटिंग पोजीशन की अगर बात कर लेना यहाँ पे, तो आप बहुत स्ट्रेट बैठ रहे हो, ठीक है। हालांकि अगर आप चाहो तो आप अग्रेसिव हो सकते हो, लाइक जैसा मैंने आपको बताया था, सीट जो है काफ़ी इनफ है राइडर के लिए, तो आप थोड़े से पीछे हट जाओ, थोड़े से टक इन हो जाओ, आप आराम से इसको अग्रेसिव पोजीशन में लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर बात की जाए ना, तो ऐसे स्ट्रेट बैठे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फुटपैक्स है ना, वो थोड़े से रियर शिफ्टेड है, तो वो चीज़ आपको एक फील कराती है कि आप थोड़े से स्पोर्टी सेगमेंट की बाइक चला रहे हो। अदरवाइज सिटिंग पोजीशन जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रही है इन कंपेयर्ड ऑफ एनी अदर बाइक्स, लाइक जैसे कंफर्ट भी हो और साथ ही साथ स्पोर्टीनेस भी हो, तो काफ़ी अच्छा इसमें फील हो रहा है मुझे। बाकी अगर हीटिंग की बात की ना, तो हम यहाँ पे लिक्विड कूलिंग नहीं मिल जाती है, ठीक है, तो हीटिंग इश्यूज तो एकदम ही नहीं आ रहे मुझे अभी तक, तो एकदम कुछ भी नहीं फील हो रहा, ठीक है। बहुत अच्छे से ही मैंने अभी बाइक को रेव किया है नॉल, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है ना कि इंजन जो है ना इसका रेव हैप्पी है, ठीक है। लाइक क्या होता है ना, कैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो मतलब एक होता है कि ठीक है ना, उतना ज़्यादा मतलब हाई एंड पे नहीं लग जाते क्योंकि इंजन साथ नहीं दे रहा, या फिर एक हेजिटेशन सा फील होता है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। इंजन काफ़ी अच्छा से मतलब आपको उतना ऊपर तक पुल कर देती है, तो उसमें कोई दिक्कत सच मुझे जो फील नहीं होता। और माइलेज भाई इजीली 40-45, उससे प्लस भी मिल सकती है ढंग से चलाओ तो, ठीक है। तो ये एक ऑल ओवर पैकेज है, ठीक है। ये देखो कितनी और है FPS की इंजन, वो पावर लैग कभी फील नहीं होगा, इतना आराम चला रहा था सिटी में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आप हाईवे में ऐसे आ गए, ठीक है, अचानक से हाईवे हीट कर गए, हीट कर गए, आराम से क्रूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको पावर लैग फील नहीं होगा। तो मतलब ये ऑल इन वन पर्पस काइंड ऑफ है, अगर आपके पास बजट है ना, तो आप श्योरली इसके साथ जा सकते हो, ठीक है, श्योरली इसके साथ जा सकते हो। सो अब बात करते हैं इसका ऑफर्स के बारे में, जो हमें VR Enterprise से मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर सबसे लोएस्ट आपको 30%, इस बाइक की 30% पे EMI आपकी हो सकती है, मतलब अराउंड 40-50 के आसपास हो जाएगा। 40 करेंगे तो भी हो जाएगा, 50 करेंगे तो और बेटर है आपके लिए। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे VR Enterprise की तरफ से आपको मिल रहा है यहाँ पे हैंड ग्रिप, बजर वगैरह, ठीक है, मतलब हॉर्न इंडिकेटर्स वगैरह के बजर वगैरह। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 700 का कैश डिस्काउंट देखने मिल जाता है, और अगर हम अपने सब्सक्राइबर्स हैं तो स्पेशल कुछ अलग से आपको पेट्रोल के ऊपर डिस्काउंट देखने मिल जाएंगे। प्लस आपको एक ISI का अच्छा वाला हेलमेट यहाँ पे आपको VR Enterprise की तरफ से देखने मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो हमारे VR Enterprise की तरफ से आपको देखने मिल जाएंगी। शोरूम की सारी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चितरंजन, रूप नारायणपुर, सलानपुर जैसे एरिया से हैं और आपको लाइक यामाहा की कोई भी ऑफरिंग दिखनी है ना, देखिए RN5 लेटेस्ट वाली यहाँ पे खड़ी है, RN5M आज ही उसका डिलीवरी हुआ है, MT15 आके रखी हुई है, FZ वगैरह है, वजन 4 भी थी लेकिन अभी नहीं है, रेजर वगैरह है, फसिनो वगैरह है, एक रेजर जो है अभी आउट हो रही है, निकल रही है डिलीवरी के लिए। सो यहाँ पर सारी तरह की बाइक्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। शोरूम की सारी क्वांटिटी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लाइक यामाहा की तरफ से आपको बेस्ट इन द मार्केट यहाँ पर ऑफर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो ज़रूर आइए और आके चेकआउट कीजिए। सो गाइज अब बात करते हैं इसके बजट के बारे में, लाइक आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं। सो देखिए हमारा आज का कंपैरिजन जो है वो NS 200 का होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर होगा ये चीज़ कि NS है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, या फिर MT फैन बॉयज बोलेंगे कि MT से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए ना, तो ये दोनों का प्राइस पॉइंट ना काफ़ी हद तक सेम है, और अगर ध्यान दे के देखा जाए तो MT15 NS को और पार कर चुकी है, ठीक है। तो उस हिसाब से बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकली लेने लायक है कि नहीं। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए, ठीक है, लाइक NS जैसा पावर 200cc में शायद ही कोई प्रोवाइड करता है, ड्यूक 200 वगैरह है, लेकिन NS का एक अलग ही फैन बेस है, NS का एक अलग ही फील है, ठीक है। तो उसमें तो ये है कि वो पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए और पावर चाहिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑल इन वन चाहिए ना, लाइक एक प्रैक्टिकलिटी भी हो, आपको एक अच्छा माइलेज भी मिल जाए, आपको एक अच्छी पिकअप भी मिल जाए, थोड़ी सी कंफर्टेबल भी हो कि आप मतलब जाम वगैरह में या फिर सिटीज़ वगैरह में भी चला सको, अगर आप हाईवे भी लेकर जाओ तो आपको कभी लैग फील ना हो, आप कंटिन्यू चल सको, एक रिलायबल इंजन, साथ ही साथ में एक प्रीमियमनेस, जैसे कि मैंने बताया यामाहा आपको प्रीमियमनेस प्रोवाइड करती है भाई, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। हाँ, NS में भी आपको USD फोक्स वगैरह मिल जाएंगे फॉर श्योर, उसमें भी आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, ठीक है, इसमें भी मिल जाएंगे, तो वो दोनों चीज़ में कॉमन है इसमें। लेकिन बेटर क्या है, फिट एंड फिनिश एनी डे,
फिट एंड फिनिश बहुत बेटर है, प्रीमियम साइड पे है कलर स्कीम वगैरह के थ्रू, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान है, कंफर्टेबल अधिक है, मेरे को उससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लगती है भाई, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि पेट्रोल भी इसका मतलब माइलेज वगैरह भी इसका बेटर है उससे, सब चीज़ें कर लेती है ना, मतलब ऑल इन वन है, लाइक सिटीज़ में भी अच्छा चल रहेगी, इनिशियल भी इसका काफ़ी सही है सिटी वगैरह के हिसाब से, अगर आप हाईवे पे भी लेके जाते हो तो हाईवे पे भी आराम से 100-120 क्रूज़ कर सकती है भाई, नो डाउट 80-100 आराम से क्रूज़ करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज भी अच्छा आपको निकल के देगी। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एक कह सकते हो आपकी एक फैमिली पैक काइंड ऑफ है। इसमें ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं तो भाई मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि हाँ यामाहा की ब्रेकिंग जो है वो मुझे बेटर लगती है, क्योंकि यामाहा एक प्रीमियम में प्रोवाइड करती है। डुअल चैनल एबीएस में मैंने बताया आपको बहुत ही कम बाइक्स मुझे पसंद आती है, RN5 की पसंद आती है, इसकी भी पसंद आ रही है, ठीक है। तो मतलब उस तरह की इसकी ब्रेकिंग है, तो यही सारी बातें हैं इसके बारे में, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी क्या मतलब यूज़ है, आपको क्यों लेनी है बाइक उस पर आप जाइए। अगर आपको फुल परफॉर्मेंस चाहिए तो गो फॉर NS 200, प्रैक्टिकली बाइक चाहिए ठीक है तो इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी बस आप जो भी लो ना, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई यार गलत जगह पैसे फंसा दिए, मतलब आप लेके आप खुश हो, लाइक आपका जो भी नीड है, आपका लिटरली जो भी नीड है, आप बस एट द एंड ऑफ द डे आप घर आ रहे हो तो लग रहा है कि नहीं मैंने जहाँ पैसा लगाए हैं ना वो मतलब काफ़ी अच्छी जगह लगाए हैं, वर्थ बाइंग है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के साथ जा सकते हैं। सो या ये थी सारी बातें हमारे पॉकेट रॉकेट के बारे में। सो आप अपने ओपिनियन ज़रूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको बताइएगा क्या अच्छी लगी क्या नहीं, होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो ना तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।